हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के साथ कच्चे आलू का ऐसा नाश्ता शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होगा। सुनिए इसकी आवाज़, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सीधा रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए हम 2 से 3 कच्चे आलू लेंगे और उसे ग्रेटर की मदद से घिस लेंगे। तो ग्रेटर का जो मीडियम वाला हिस्सा होता है दोस्तों, वहाँ से हमें इसे घिसना होगा ताकि जो आलू के लच्छे होंगे वो थोड़े मीडियम साइज़ के हों। तो ये देखिए, मैंने सारे आलू अच्छे से घिस लिए हैं और इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब चलिए, इन लच्छों को अच्छे से धोने के बाद, छानने के बाद, हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप डाल दीजिएगा। अब इसमें 1 कप सूजी हम भरकर डालेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर 4 चम्मच बेसन डालेंगे। इससे बाइंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्तों और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी दोस्तों ये। तो इसमें मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है और साथ में सॉल्ट डाला है 1 चम्मच। चाट मसाला ले लीजिए चटपटा करने के लिए 1/2 चम्मच, और साथ में 1/4 चम्मच हल्दी का इसमें डाल दीजिए। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आलू में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो कुछ इस तरह से आप इसे मिक्स कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर हम 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया के पत्ते इसमें डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर पानी को ऐड किया है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी यूज़ किया है। तो पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से आप मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी डालकर इसे बना सकते हैं, इससे सूजी जल्दी से फूल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर पैन लेंगे, पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे और मैंने यहाँ पे राई डाली है 1/2 छोटा चम्मच, और साथ में थोड़ा सा हींग डालेंगे। अगर आपके पास हींग अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम इसमें सफ़ेद तिल का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको सफ़ेद तिल डालकर दिखाना भूल गया था, पर मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। अब मैं 2 चम्मच आपको डालकर दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप डाल दीजिएगा। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद हमारे पास जो बैटर हमने तैयार किया था, हम उसे इसमें डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम आँच को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि हमारा जो ये बैटर है ये चिपके ना। तो जब ये आपके पैन से छूटने लग जाए तो समझिए आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इस तरह की एक ट्रे ले लीजिएगा, उसे ऑयल से ग्रीस कर दीजिएगा। अब जो बैटर है आप उसे इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए, गरम बैटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आप डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से हम यहाँ पर फैलाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप फैला दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप इसे पे जो प्लेट अवेलेबल होती है आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने बैटर को जो है वो फैला देंगे और इस पर ऊपर से ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे ताकि ये हमारी ट्रे से चिपके ना। अब ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब एक नाइफ की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप कट कर दीजिएगा। तो आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने स्क्वायर शेप में काटा है जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है खाने में, बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पर नाश्ता रेडी हो गया है। मैं आपको एकर उठाकर दिखाता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा दोस्तों और इसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो हमें इस नाश्ते को गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करना होगा। तो इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा और 1 मिनट बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम लो पे कर दीजिएगा और चम्मच की मदद से आप ऑयल को इस पर डालते रहिएगा ताकि ये इवनली कुक हो जाए। ये देखिए, अच्छे से फ्राई कीजिएगा। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। हमारे घर में तो ये नाश्ता हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनता है क्योंकि होता ही इतना ज़्यादा क्रिस्पी और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि बस मज़ा ही आ जाता है खाकर। आप इसे ब्रेकफास्ट में तो खा ही सकते हैं, शाम को चाय के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं और एज ए पार्टी स्नैक्स भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस पे गोल्डन कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए सर्व करते हैं। आपको सुना तो ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। सुनिए आवाज़ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है बाहर से और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ है, आप उन्हें ज़रूर देखिए। वहाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।